हाय एवरीवन, तो क्या आपने कभी ऐसे पढ़ाई की है? तो आप सीखो मेरी बेबी से किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो वो कुछ इस तरह से पढ़ रही है, बड़े ही ध्यान से, और इससे आप लोगों को मोटिवेट होना चाहिए। चलो उसके बाद आते हैं मेरे पार्सल पे। तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था जो कि आ चुका है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी क्या है। आज मैं सिर्फ ओपन करके दिखाऊंगी और मैं फिर कभी मैं इसका यूज़ करके भी बताऊंगी आप लोगों को। तो मेरा जो आईफोन है ना वो फुल हो चुका है, यानी स्टोरेज जो है उसका फुल हो चुका है। तो मुझे सारी चीज़ें रखना है पेन ड्राइव में, चूँकि सभी तो वीडियो डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए जो जो वीडियोज़ है उसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी पेन ड्राइव में। और इसके लिए मैंने ऑर्डर किया है पेन ड्राइव कनेक्टर, जो कि वेरी यूज़फुल है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, देखते हैं कि वो कैसा है या फिर इसमें कोई डिफेक्ट है। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है, ये किचन आइटम है, इसे आप नूडल प्रेस या फिर आप सेवई प्रेस जो भी बोल सकते हो, तो इसे आप नूडल्स बना सकते हैं, सेवई बना सकते हैं। ये बहुत ईजिली बन जाता है, अलग अलग इसका जो इसकी जो ब्लेड्स है, अलग अलग ब्लेड्स दिए गए हैं। और ये नोज़ल्स है जिससे जो केक वगैरह का आइसिंग किया जाता है, वैसे आइसिंग करने के लिए नोज़ल्स मेरे पास ऑलरेडी है, ये प्लास्टिक की है जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। पर जो ये प्रेस है उसका मैं यूज़ ज़रूर करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। उसके बाद मेरे आगे थे पापा और भतीजे के साथ आए थे। एक्चुअली मेरे पापा गए थे मेरे भतीजे को म्यूज़ियम घुमाने के लिए, लेकिन म्यूज़ियम था बंद। तो उसके बाद क्या करते हैं, तो सामने ही एक पार्क था, तो पार्क से घुमा कर फिर वो आ गए मेरे घर, और फिर मेरी बेबी को थोड़ी देर के लिए गोद में लिया। और तभी अचानक से आ गई मेरी मम्मी मेरी भतीजी को लेकर और मेरी भंजी को लेकर। तो एक ही साथ मेरी बेबी की मम्मी, मेरी मम्मी पापा यानी कि मेरी बेबी के नाना नानी एक साथ ही आ गए, तो अच्छा लगा कि चलो कि एक साथ देखने को मिला। और मेरी बेबी काफ़ी एंजॉय कर रही थी, बहुत सारे लोगों को बहुत नहीं देखती है, वैसे तो हमेशा मम्मी पापा दादी इन सभी को ही देखती है, और अलग अलग फेसेस बहुत कम देखना होता है। तो इस तरह से जब सभी लोग आ जाते हैं तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरी भतीजी को ना मेरी बेबी को गोद में लेना था, तो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। और ये है कलाकारी मेरी भांजी की जो कि मेरे लिए लेकर आई थी, और ये मेरी भतीजी है जिसे बड़ी ही मोबाइल की लत लग चुकी है। तो मैंने उसे कहा कि मैं अभी सबको मैं ब्लॉग में बताऊंगी कि तुम कितना मोबाइल यूज़ करती हो, फिर उसने रख दिया और हंसने लग गई। और ये और कलाकारी है मेरी भांजी की, ये पुराने मोबाइल में उसने कलर करके कुछ इस तरह बनाया था, अभी तो कलर भी निकल चुके हैं इसके, पर जो भी उसने जो एफर्ट डाला वो बहुत ही अच्छा था। तो जब बच्चे ऐसे कोशिश करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक और मैं दिखाने वाली हूँ जहाँ पर मेरा भतीजा कोशिश कर रहा है, तो वो भी आपको देख के अच्छा लगेगा। तो ये रहा, मेरे भतीजे को अचानक से डांस का बड़ा ही शौक चढ़ गया, तो उसे जाना था डांस स्कूल। तो अभी तक तो वो डांस स्कूल गया नहीं है, लेकिन उससे पहले उसे सीखना है डांस, तो इसके लिए उसने क्या किया, मोबाइल में ही गाने लगाकर वो सीखने लग गया, तो जो कि बहुत अच्छा है। चलो बच्चे अगर कुछ सीखते रहे ना तो अच्छा लगता है, ऐसी बेकार की चीज़ों में टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि कुछ सीख ले।